राइट दीज नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले आपने इस नंबर को देखना है जो कि सिक्स है, सो आपने सिक्स लिख लेना और उसके बाद हाइड कर दें। सिक्स को चेक करना है कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, सो आपने 4 0 लगाने हैं, 1 2 3 4। देन फिर आपने प्लस का साइन लगाना है। अब आपने अगला नंबर देखना है वो जो कि नाइन है, सो आपने 9 लिखा और उसको अब हाइड कर दिया। अब उसके बाद नंबर देखने कितने हैं, 1 2 3, तो आपने इसमें 3 0 लगा देने हैं। फिर आपने जमा का साइन लगाना है इनके प्लस का। फिर आपने 5 देखना है, 5 आपने लिखा उसको हाइड किया और चेक करना कितने नंबर्स हैं, जो कि 2 नंबर्स हैं, सो 2 0 लगा दिए, प्लस साइन है। देन आपके पास है 0, सो आपने 0 सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, 0 के बाद दूसरा 0 नहीं लिखना आपने। फिर आपने प्लस लगा के अब आखिरी नंबर देखना है जो कि 4 है, सो 4 इसके बाद 0 नहीं लगाना क्योंकि 4 के बाद कोई नंबर नहीं है। अब हम दूसरा सवाल हल करते हैं। सबसे पहले आपने देखा जो कि आपके पास 7 है, सो आपने 7 लिखा और उसको हाइड कर दिया। अब आपने चेक करना है कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, सो इसलिए आपने 4 0 लगा देने हैं। फिर आपने प्लस का साइन लगाना है। अब आपने अगला नंबर देखना है जो कि 1 है, सो आपने 1 लिख के इसको हाइड कर दिया और चेक करना है कितने नंबर हैं, 1 2 3, सो आपने 3 नंबर्स लगा देने हैं, 3 0s, 1 2 3, प्लस साइन। नेक्स्ट नंबर आपके पास 6 है, सो आपने 6 लगाना है। और अब आपने देखने हैं कितने नंबर्स हैं आपके पास, 2 नंबर्स हैं, सो 2 0 लगा दिए, प्लस साइन। फिर आपने नेक्स्ट नंबर देखना है जो कि 2 है, सो आपने 2 लगाया और उसको हाइड किया। आप कितने नंबर्स हैं आपके पास, सिर्फ 1 नंबर था इसलिए 1 0 लगा दिया, प्लस साइन। देन फिर आपने लास्ट नंबर लिखना है 3, सो 3 लगाया, इसके बाद कोई 0 नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं बचा। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी अगर आपको चीज़ पसंद नहीं आई है या आपको कुछ और मज़ीद क्वेश्चन पूछने हैं तो आप मेरे कमेंट्स में से पूछ सकती हैं। शुक्रिया।